हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। इस तरफ बहुत शोर आ रहा है, इस तरफ आ जाते हैं। एक्चुअली हम लोग ना कल देवसाई से आ गए थे अस्तोर वापस शहर अपने होटल की तरफ ना। तो अभी हम लोग अस्तोर में ही मौजूद हैं, मैं अपने होटल में ही हूँ। रात में वीडियो नहीं बना पाया था यहाँ पर पहुँचने की, काफ़ी लेट हो गया था, थक भी गए थे हम लोग। तो अभी मैं आपको जो है ना, ये मेरा रूम है, ये जी हमारा होटल था जहाँ पे हमने रात स्टे किया था। अभी उन्हें सामान वामान पैक कर दिया है, ठीक है। अभी हमने करना ये है कि हमने यहाँ से अस्तोर से निकलना है, और अस्तोर से हमने निकल के जाना है जगलोट, और जगलोट से बस पकड़ के हमने जाना है हुंजा करीमाबाद इंशाल्लाह। ये होटल का नाम है अस्तोर इन, यहाँ से व्यू बड़ा प्यारा आता है। बाकी मैं आपको क्लिप्स दिखाता हूँ। आज मौसम बड़ा प्यारा है, मौसम बड़ा प्यारा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज बड़ी मज़े की धूप निकली हुई है, ठीक है। और धूप जो है ना, ज़रूरी है ऐसी जगहों पे, क्योंकि ठंड की वजह से जो है ना हालत टाइट हो जाती है। तो धूप निकली रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इस होटल में मैं पहले भी स्टे कर चुका हूँ, और तकरीबन 1.5 साल पहले किया था मैंने, अपने हनीमून पे आया हुआ था मैं इस तरफ। तो अस्तोर में और कोई ख़ास होटल था नहीं, तो मैंने इसी तरफ ही स्टे किया था। और इत्तेफाक की बात मैं आपको मज़े की बताऊं कि जो रूम मुझे इस बार मिला है ना, वही रूम मुझे लास्ट टाइम मिला था जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो मज़े की बात है, इत्तेफाक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल की बात है मैं यहाँ पर आया था, ठीक है। ये मेरा रूम है, और मुझे लग रहा है कल की ही बात है मैं यहाँ पर आया हुआ था। सब वैसा का वैसा ही लग रहा है, टाइम बहुत जल्दी गुजर गया, 1.5 साल होने को है। अभी मैं आ गया हूँ छत पे, ठीक है, अपने होटल की जो कि अस्तोर में है। थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। वैसे व्यू दिखा दूँ आपको कुछ, ये व्यू है हमारे होटल से अस्तोर शहर में। निकल रहे हैं बाज़ार में इंशाल्लाह। अस्तोर सिटी से हम लोग निकल चुके हैं, और अभी हम लोग अस्तोर के रास्ते से होते हुए तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे कराकरम हाईवे पे। फिर वहां से ये लोग हमें जगलोट पे ड्रॉप देंगे। ये अभी हम लोग जगलोट पे आ गए, इन लोगों ने हमें अभी ड्रॉप दे दिया है यहाँ पर। यहाँ से फिर हमें खुद हुंजा जाना है। बहुत गर्मी हो रही है, कड़क धूप पड़ रही है। यहाँ इस रेस्टोरेंट पे इन्होंने हमें ड्रॉप दिया हुआ है। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि अभी हमें कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई सर्विस, बस सर्विस या टैक्सी मिलेगी, तो मुझे लिफ्ट लेनी पड़ेगी यहाँ से। कोशिश मेरी जारी है, यहाँ वेट कर रहा हूँ कोई हमें लिफ्ट दे के जो है ना बस स्टॉप तक छोड़ दे, तो फिर वहाँ से हम लोग जो है आगे फिर गिलगित के लिए कोई टैक्सी करा सकें या बस करा सकें। भाई 20 मिनट से यहाँ पे खड़े होकर मैं लिफ्ट ले रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे लग नहीं रहा कि मुझे कोई यहाँ से लिफ्ट मिलेगी। तो अब बेहतर ये है कि रेस्टोरेंट वालों को मैंने कहा है कि किसी टैक्सी ड्राइवर या किसी को बुला दें जो मुझे गिलगित तक ड्रॉप दे दे। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट तो की है, अब वो कह रहे हैं कि ना ड्राइवर कोई कॉल उठा नहीं रहा, तो कोई ड्राइवर आता है तो ये बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर हमें मिल गया, रेस्टोरेंट वालों ने जो नंबर पर कॉन्टेक्ट कर रहे थे ड्राइवर से, तो एक ड्राइवर आ चुका है। तो अभी इनके साथ हम लोग जा रहे हैं गिलगित। गिलगित में ये हमें गिलगित के बस स्टॉप पे ड्रॉप करेंगे, और वहाँ से हम कोई भी बस लेकर जो है ना हम हुंजा चले जाएंगे। हुंजा में यूजुअली जो बसेस होती हैं वो आलियाबाद पे ड्रॉप करती हैं, लेकिन हमें करीमाबाद जाना है तो हमें किसी ऐसी बस में बैठना पड़ेगा जो करीमाबाद बाज़ार जाती हो। तो बस हो गई, वैगन हो गई, वो हम वहाँ पर बस स्टॉप पर जाके चेक करेंगे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ से जगलोट से हम लोग निकल चुके हैं, और हम अपना गिलगित के सफ़र की तरफ।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं गिलगित के बस स्टॉप पे और यहाँ से हमने वैगन के टिकट्स ले लिए अपने, तो हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। 5:30 बजे हम लोग निकल गए थे वहाँ से गिलगित से, और अभी तकरीबन मगरिब हो चुकी है और हम करीब आते जा रहे हैं हंजा के, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं राकापोशी आ गया। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो थोड़ी देर में हम लोग करीमाबाद के अंदर होंगे। बहुत मज़ेदार सफ़र गुजरा है वैगन में, लोकल तरीके से हमने सफ़र किया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी करीमाबाद बाज़ार पहुंच चुका हूं और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कितनी रौनक है करीमाबाद बाज़ार में। मैं अभी यहां पर रुका हूं हंजा लॉजिस बाय फॉक्स के अंदर, और मेरा रूम बिल्कुल ये सामने करीमाबाद मेन बाज़ार के अंदर है। बहुत रौनक वाला एरिया है, मेरे पीछे देख रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको अपने रूम में लेकर चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा रूम है और इसकी लाइट्स जो है ना बड़ी नेक्स्ट लेवल आ रही थी, वो मैंने अभी बंद कर दी है। मैं एक्चुअली ऑन कर लेता हूँ। चेक करें यार, रूम चेक करें। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से बाहर से ना मैं आपको सुबह में व्यू चेक कराऊँगा, आपको पूरा राकापोशी दिखाऊँगा यहाँ से कल इंशाल्लाह मैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज का सारा दिन का मेरा सफ़र, किस तरह मैंने अपना टूर किया है इस तरफ हंजा की तरफ। तो अभी मैं आपको वापस बाहर लेके चलता हूँ। ये देखें मेरे कमरे के बाहर, बाहर बिल्कुल बाहर ये पूरी जो है ना मार्केट है करीमाबाद बाज़ार। कैफे डी हंजा बिल्कुल मेरे सामने, इस तरफ कैफे डी हंजा है। ठीक है, मैं बलतित फोर्ड के बिल्कुल करीब हूँ। बलतित फोर्ड भी यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर है, मेन बाज़ार के अंदर ही हूँ। नेक्स्ट लेवल जगह है भाई। हाँ जी दोस्तों, तो अब हमें लग रही थी भूख, थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो गए थे हम लोग, तो हमने कहा डिनर कर लेते हैं। डिनर हमारा होगा यहाँ पर। ये है रैम्बो रेस्टोरेंट, होटल प्लस रेस्टोरेंट है, और ये मेरे होटल से सिर्फ़ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। करीमाबाद मेन बाज़ार में ही मौजूद हूँ मैं अभी भी। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये अभी हम लोग बैठे हुए थे अपने रैम्बो होटल में, और पीछे रशियंस भी आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फूड इंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। मज़े चल रहे हैं भाई, मज़े चल रहे हैं, मज़े आगे मज़े चल रहे हैं इनके। क्या बात है भाई, क्या बात है। हाँ जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना आ गया। ओए 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 ओए, चेक करें यार, प्रेजेंटेशन चेक करें यार। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने खाना वाना खा लिया है और अभी हम लोग सैर सपाटे पे निकले हुए हैं करीमाबाद बाज़ार के। थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे, फिर इंशाल्लाह अभी हम वापस अपने रूम में जाएंगे और आराम करेंगे, क्योंकि आज सारा दिन हम सफ़र में थे। और सफ़र भी आपने देखा कि किस तरह हमने अस्तोर से जगलोड, फिर जगलोड से हमने गिलगित, फिर गिलगित से हंजा की तरफ आए। तो हम याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।